ये हंगामा, ये गुस्सा और आरोपी को टुकड़े टुकड़े किए जाने की ये मांग। काट के बुरा उसका एक पार्ट करो चराए पे खड़ा करके और काट देना चाहिए। उस भरोसे के कत्ल की वजह से की जा रही है, जिसका इल्जाम इस बेशर्म और निहायत गंदे बुजुर्ग पर लगा है। इसने अपनी ही बहू के क्रेज में आने वाली 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया और उसे अपनी ऐसी अश्लील हरकतों का शिकार बनाया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी मांग है कि इसका मुंह काला करके पुलिस वाले इसको सोसाइटी से बाहर निकाल दे और आज के बाद ये औरत इस सोसाइटी में आनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ढोंगी है, सुंदरकांड पढ़ता था, ओम शांति में जाके ये सीख कर आए बदतमीज। इसको इतनी कड़ी पनिशमेंट दी जाए कि आगे भी लोग इससे एक सबक लें और डरे और रूह कांप जाए करने वाले का गलतियां। ये क्रेज चलाने वाली महिला का ससुर है। करीब 2 से 3 महीने पहले इस सोसाइटी के एक मकान में चल रहे क्रेज में नोएडा में काम करने वाले पति पत्नी ने अपनी 6 साल की बच्ची को रखना शुरू किया। स्कूल के बाद वो इसी मकान में रहती थी। शाम को उसके माँ बाप घर लौटने पर उसे ले जाया करते थे। कुछ दिनों पहले इस हैवान की नजर उस बच्ची पर पड़ी। क्रेच चलाने वाली महिला का ससुर होने और उसकी उम्र के चलते इस पर किसी को शक नहीं हुआ। इसका फायदा उठाकर इसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। अक्सर वो बच्ची को किसी दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप करता। जब बच्ची के माँ बाप को बच्ची के बर्ताव में फर्क नजर आया तो उन्होंने पूछताछ की। बच्ची ने सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद पुलिस में शिकायत की गई और बच्ची के मेडिकल जांच से रेप की बात साबित हो गई। पब्लिक थाना विजयनगर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई। पार्ट ऑफ विवेचना है, इसमें जो विवेचना में सबको शामिल किया जाएगा। ये घटना शुरू हुई थी और जो भी विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। अब जरा इस निहायत गंदे बुजुर्ग का बयान सुनिए। आप जानते हैं बजे? नहीं, कैसे जानूंगा, जो आरोप लगाया उससे पूछो। आप कह रहे हैं कैसे पूछे होगा? ठीक है, छोटी बच्ची है, आरोप लगाया है, पुष्टि हुई है सर। तो फिर आप पुष्टि मांग लो। ये अपने जुर्म का इकरार भी कर रहा है और इनकार भी। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब इसने अपनी गंदी हरकत पर दादा पोती के पाक रिश्ते पर पर्दा डालने का ढोंग किया। एक, एक दादा और पोती का जो वही था इंटरेक्शन था, वही प्यार था, वही पसंद था। जैसे मुझे अपनी पोती से वैसे वो भी पोतियां वही था। इसकी उम्र और चेहरे की शराफत से एक बार कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। गुस्साए लोग इसकी बहू को सोसाइटी से निकालकर बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच देश के तमाम नगरों और महानगरों में अपने बच्चों को क्रेच में भेजने वाले माँ बाप के सामने गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। क्या दिन भर अपनी नौकरी में व्यस्त रहने वाले माँ बाप क्रेच में अपने बच्चों को भेजकर निश्चिंत हो सकते हैं? हर माँ बाप के सामने बड़ा सवाल ये भी कि क्या भेड़ियों के रहते क्रेच में आपके बच्चे महफूज हैं? जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज।